हेलो अस्सलामुअलैकुम, दिस इज उस्मा धनसे, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग डिश। यस, ये डिश है स्नैक्स, टी टाइम स्नैक्स, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। हम सबको लॉकडाउन में एक गंदी सी आदत हो गई है, वो है भूख लगना। बहुत भूख लगती है खाली बैठे रहने से। तो इसका इलाज क्या है? तो ये एक फटाफट डिश है जो आप शाम के नाश्ते के टाइम पे जल्दी जल्दी बना सकते हैं और है बहुत बहुत टेस्टी। तो ये डिश का नाम क्या है? ये डिश का नाम है रवा पकोड़ा, यस, जिसे हम सूजी भी कहते हैं। तो इसे आप एकदम जल्दी जल्दी बना सकते हैं फटाफट, और ये खाने में एकदम ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। रवा पकोड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप रवा, चॉप ओनियन, चॉप ग्रीन चिली, 2 स्पून योगर्ट, 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 टीस्पून सोडा, नमक स्वाद अनुसार। चलिए फिर शुरू करते हैं रवा पकोड़ा बनाना। सबसे पहले लेंगे 1 कप रवा, उसमें हम ऐड करेंगे चॉप ओनियन, जितनी हो सके उतनी बारीक काटिए, और फिर हम उसमें ऐड करेंगे हमारी ग्रीन चिली। ग्रीन चिली आप अपने हिसाब से लीजिए, आप जितनी तेज़ खाते हैं, लेकिन मैंने ये 3 ग्रीन चिली लिया है। फिर हम उसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ऑफ सोडा, जो हम खाने का नॉर्मल सोडा यूज़ करते हैं वही। फिर उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच दही। जी, दही याद रखिए कि खट्टा दही ना हो ज़्यादा, अपना जो नॉर्मल दही रहे, तो वो 2 चम्मच इसमें डालिए। 1 कप में 2 चम्मच, अगर आप 2 कप ले रहे हैं तो उसके हिसाब से फिर 4 चम्मच, ठीक है। वैसे ये भजिया 1 कप में बहुत हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 चम्मच लगभग, जी बस हो जाता है 1/2 चम्मच, जस्ट फॉर फ्लेवर, ओके। आप चाहिए तो इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हैं, धनिया पत्ती, लेकिन क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से सारे सामान नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने ऑप्शन में रखा कि आप डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो। आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार, और फिर इसे धीरे धीरे हाथ से मिक्स कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालिए, क्योंकि ये ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, हमें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक चाहिए, ठीक है। तो उसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कीजिए, और मिक्स करने के बाद इसे ढक के हम तकरीबन 5 to 10 मिनट का रेस्ट देंगे बस। तो अब आप इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं, और 10 मिनट के बाद जब हमने हमारा बैटर चेक किया तो ये देखिए थोड़ा थिक हो गया था, तो हमने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अगर आपका भी बैटर ऐसा थिक हो जाए तो बिल्कुल टेंशन ना लें, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो चलिए अब तैयारी करते हैं पकोड़े तलने की। तो ये मैंने पैन में पहले से ही तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, और ये देखिए तेल गर्म भी हो चुका है। तो हमने इसमें अपने पकोड़े तलना शुरू किए, और फिर चलिए फटाफट पकोड़े तल लेते हैं। ये पकोड़े हमारे वन साइड से हो गए थे, तो हमने इन्हें पलट लिया, और पलटते ही ये जल्दी से हो जाते हैं। ये देखिए ये कितने अच्छी तरीके से दोनों साइड से हो गए हैं। तो अब हमने इन्हें निकाल लिया प्लेट में, ये देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हुए हैं, और ये जितने दिखने में अच्छे हैं उतने खाने में भी अच्छे होते हैं। ये देखिए मैं आपको इन्हें तोड़ के बताती हूँ, ये देखिए ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो ये हो गए हमारे रवा पकौड़े रेडी। ओके फ्रेंड्स, तो देखा आपने, ये था हमारा रवा पकोड़ा, एक बहुत जल्दी से बनने वाली इंस्टेंट डिश जो हम शाम की चाय के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, राइट। और अगर लॉकडाउन के बाद हमारे घर पे कोई मेहमान है, जो ऑफकोर्स आएंगे इंशाल्लाह जल्दी आए, तो हम उनके लिए फटाफट ये डिश बना सकते हैं और खिला सकते हैं, और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं, राइट।
तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ लेकिन आप हमेशा भूल जाते हैं शायद, राइट? तो प्लीज इस बार ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें भी और सब्सक्राइब करवाए भी, ओके? और मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।